सरकार ने विधवा पेंशन योजना चलाई है ताकि विधवाओं का सही ढंग से भरण पोषण हो सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि कौशाम्बी जनपद के ग्राम पंचायत केसरी के हरजन बस्ती गुड़िया पर गांव में धनपत सहित 20 विधवा महिलाओं का पेंशन न बनने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको विधवा पेंशन मिलता है? नहीं मिलती। कब से नहीं मिलता है? मिल भी नहीं भाई, कब से हमको पता है। आपके पति को गुजरे हुए कितने साल हो गए? 15-16 साल हो गए। अरे कहे थे कि पेंशन मिले ला गए, तो अब लड़किन की शादी हो जाए, उनकी शादी कुछ मिले चाहिए। पेंशन पाने के लिए कभी किसी से कहे हो? प्रधान से कहा, प्रधान कहा थे तुमका कहे, तुमका कहा चाहिए। अब अधियारिन के बीच में रही नहीं, अधियारिन हमको अलग कह दें तो कैसे हम शादी करी लड़की। आपके पति हैं? नहीं, 5 साल हो गए। तो आप जीवन कैसे चलाती हो? चला आई थी, अब बैठा हुआ दाई दे थे तो चला रही थी। क्या मजदूरी करने जाती हो? हम नहीं जाई, मजदूरी कर रखा था कोई, हम मजदूरी कर नहीं जाए। कब से नहीं मिल रही है? अरे जब से मारे हैं तब से नहीं मिलती है, कहा थे तुमका काम ही कहा है। तो आपके साथ साथ यहाँ कितनी विधवाएं हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता? 20 जाने हैं सब। अपने पास पैसा वो पीड़सिन मिला तो खा पिए, नोन तेल चला, तेल साबुन ओना लाता ले कर हो जाए, दुख बीमार हो जाए तो कहा बुखार हो जाए। पीड़सिन मिले तो चाहिए थे कि पीड़सिन हमारों को मिला ला गए तो हम लोग को सेवा तो सहा तो करी, जब पास मना रहे तो सेवा को करी 4 पैसा। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन विधवाओं का जल्द से जल्द पेंशन बनाया जाए जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। मैं महेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।